हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई वेस्ट शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ सेम प्रीसीडिंग टॉपिक आर्टिकल्स का, आर्टिकल पार्ट टू। इससे पहले मैंने आपके साथ आर्टिकल्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो डिस्कस किए थे, जो बेस रूल है ए और एम का, द का जो हमने रूल डिस्कस किया था, स्पेसिफिकेशन डिस्कस की थी। आज मैं बेसिक टॉपिक आपके लिए लाई हूँ जिसमें मैं आपके साथ डील करूंगी द बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल, मींस आर्टिकल का जो बेसिक यूज वो क्या है, उसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं और कहाँ कहाँ पर जो है विद रिक्वायरमेंट और विदाउट रिक्वायरमेंट जो है हमें कभी रूल्स जो है सॉरी आर्टिकल्स को ओमिट करना पड़ता है, या कहीं पर जो है वो एक्सेप्शन जो है वो किस तरीके से फॉलो की जाती है। सो लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स, एक्सेप्शंस एंड ओमिशंस। ओके, सो द नंबर वन रूल सेज कि आर्टिकल्स जो है बेसिकली स्टेटमेंट, जो डेफिनेशन स्टेटमेंट थी कि बिफोर अ नाउन यूज किए जाते हैं, बट लेट मी टेल यू इट इज बीइंग यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द फ्यू प्लेसेस के नाम के आगे जो है यूज किए जाते हैं। बट बच्चे बहुत ही बेसिक और क्राइटेरिया रूल ये कहता है कि प्रॉपर नाउन जो है वो आर्टिकल का यूज एक्सेप्ट नहीं करता। प्लीज हैव अ लुक, प्रॉपर नाउन आर्टिकल का जो रूल है वो एक्सेप्ट नहीं करता। द रीजन इज कि हम अपने वी बीइंग अ प्रॉपर नाउन, हम सबका नाम जो है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है, तो हम अपने नाम के आगे कभी भी द आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कभी अ या एन लगाना नहीं चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द बेस रूल। ठीक है, तो ना तो हम अपने नाम के आगे जैसे द राहुल नहीं बोला जाता, ठीक है, द प्रिया नहीं बोला जाएगा, ओनली द प्रॉपर नाउन विल बी गिवन। बट स्टिल वी डू हैव द एक्सेप्शन कि कुछ प्लेसेस के नाम के आगे जो है हम द आर्टिकल लगाते हैं, जैसे कि द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज अभी एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, दूसरी तरफ हम यही बात कर रहे हैं कि आपका जो कुछ प्लेसेस के नाम के आगे जो है वो आर्टिकल्स लगाए जाते हैं। द रीजन इज दीज आर द बेसिकली द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोला जा सकता है, जैसे फिलिपाइंस है, द नीदरलैंड है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के इन बिटवीन जो है वो आते हैं, तो इनके नाम के आगे जो है वो आर्टिकल जो है हम एक्सेप्टेडली लगा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट। यहाँ देखिए, इसी के साथ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो कि अगर जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, रशिया, चाइना, इनके नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा बिकॉज ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। बट आगे जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं, बट बच्चे वो ग्रुप्स में आ जाते हैं। जैसे कि प्लीज हैव अ लुक, अगर किसी कंट्री के नाम के आगे यूनियन लगा हो, यूनाइटेड लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, किंगडम वर्ड लगा हो, तो उनके नाम के आगे जो है आर्टिकल लगाना जो है वो एक्सेप्टेड रहता है। लेट इट बी अगर वो प्रॉपर नाउन है फिर भी उनके नाम के आगे द आर्टिकल लगेगा, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन, राइट, द फिलिपाइंस, द नीदरलैंड, द यूनाइटेड एमिरेट्स। ठीक है, तो उनके नाम के आगे जो है वो द आर्टिकल जो है वो लगाया जाता है। दैट इज मोर डिमांडेड बिकॉज उनके नाम के आगे ये कुछ वर्ड्स अगर आपको नजर आते हैं एक्सेप्टेड हैं, यूनियन हो गया, रिपब्लिक हो गया, किंगडम हो गया, तो प्लीज फील फ्री टू यूज एन आर्टिकल। लेकिन प्रॉपर नाउन जो है जैसे कि इंडिया, रशिया या चाइना, इनके नाम के आगे जो है बाकी भी जो कंट्रीज के नाम है उनके नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज जैसे स्टेट्स है, हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके नाम के आगे भी जो है वो आर्टिकल नहीं लगता है। आई वी नो दैट हम कहीं पर भी आर्टिकल नहीं लगाते, हम द हिमाचल प्रदेश नहीं बोलते, इट इज ओनली बीन सेड एज हिमाचल प्रदेश, बट वी डू हैव द एक्सेप्शन ओवर हियर। एक एक्सेप्शन केस ये है कि हम द पंजाब बोलते हैं, पंजाब नहीं बोला जाता, दिस इज द एक्सेप्शन केस कि पंजाब जो है वो द आर्टिकल लेता है। रीजन बहुत सिंपल है कि पंजाब का मतलब है द रीजन या एरिया ऑफ फाइव स्टेट्स, सॉरी फाइव रिवर्स, अ स्टेट विद अ फाइव रिवर्स, तो इसके कारण जो है हमने वहां पर उस चीज को डेफिनेट बनाया है और पंजाब के साथ जो है वो द आर्टिकल जो है वो एक्सेप्टेड है। प्लीज हैव अ लुक, दिस इज ओनली द एक्सेप्शन विद ओनली पंजाब, और कोई स्टेट जो है वो दो आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड बाकी सबके साथ कोई ग्रुप के बारे में बात होती है तो हम उसमें द डालते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल एक कंट्री है तो वो दो आर्टिकल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज इट इज योर प्रॉपर नाउन। तो ये था इसका रूल। अब एक स्टेटमेंट में आपको इशू करना चाहूंगी, प्लीज हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। देयर विल बी टू स्टेटमेंट्स, okay, this house belongs to the Mr. Gupta. This is number one statement. This house belongs to the Mr. Gupta. And the second statement is the
मिस्टर गुप्ता लिव्स हियर, ठीक है, दिस इज योर सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है. अब दिस हाउस बिलोंग्स टू द मिस्टर गुप्ता, द मिस्टर गुप्ता लिव्स हियर. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर भी जो द मिस्टर गुप्ता है बच्चे वो आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एंड यहाँ पर भी जो मिस्टर गुप्ता है वो प्रॉपर नाउन है, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वेरिएशन ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है वो सही मानी जा रही है, सेकंड वाली स्टेटमेंट को हम गलत मान रहे हैं. व्हाट इज द बेसिक रीजन? वहां पर भी तो द मिस्टर गुप्ता है, वहां पर भी मिस्टर गुप्ता प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर भी मिस्टर गुप्ता प्रॉपर नाउन है, बट व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया? राइट, क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पर दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर गुप्ता, यहाँ पर दिस हाउस के बारे में बात हो रही है और रेक्टिफिकेशन जा रही है मिस्टर गुप्ता को, जो कि दिस हाउस जो है बच्चे वो आपकी कौन सी पोजीशन पर होल्ड कर रहा है, सब्जेक्ट के पोजीशन पर, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आया है मिस्टर गुप्ता. प्लीज ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर मिस्टर गुप्ता आता है तो वहां पर उसका एक रेफरल पार्ट निकलता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर अगर प्रॉपर नाउन अपने यूज करना है तो हम दो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. लेकिन लेट मी क्लियर, यहां पर मिस्टर गुप्ता जो है सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया है, प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर, सब्जेक्ट की पोजीशन पर, वो भी प्रॉपर नाउन आया है, तो दो आर्टिकल की वो डिमांड नहीं करेगा. दिस इज द बेसिक क्रिटेरिया. डिफरेंस ये है बच्चे कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आता है तो हम उसके रेक्टिफिकेशन डाल रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट बता रहा है तो ऑब्जेक्ट ले सकता है आपका दो आर्टिकल, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है और वो दो आर्टिकल की डिमांड नहीं करेगा. दिस इज द फर्स्ट पर्टिकुलर रीजन. लेकिन अगर प्रॉपर नाउन जो है, जैसे कि प्लेसेस के बारे में बात की थी, द यूनाइटेड अरब, द फिलिपाइंस, द नीदरलैंड, तो उसमें जो है अगर वो प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट की पोजिशन पर आएगा तो वो दो आर्टिकल एक्सेप्ट करता है. यहां पर बच्चे दो आर्टिकल की इस तरीके से वेरिएशन पार्ट बनता है और आपको इस तरीके से ही इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज आर्टिकल्स इसी केस में तो कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं. कहीं पर हम एकदम से बोल रहे हैं कि नहीं यूज होगा, कहीं पर हम बोल रहे हैं वो यूज होगा, कहीं पर हम बोल रहे हैं कि वो प्रॉपर नाउन है. यहां पर आपको वेरिएशन इसी तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, प्लीज ध्यान रखना. अब एक चीज है, जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बताई, द वन मोर स्टेटमेंट इज अब यहां देखिए, he is a Kalidas, ठीक है, you know he is a Kalidas, Kalidas is a famous poet, ठीक है, so यहां पर he is a Kalidas. अब यहां पर देखिए कि जो कालिदास है, जैसे पिछला मिस्टर गुप्ता वाला एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी को थोड़ा सा कोरिलेट कर रही हूँ आपको. अ आया क्योंकि जो के था वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो उसने अ आर्टिकल लिया, ठीक है. अब कालिदास जो है वो आपका यहाँ पर कौन सी पोजिशन पर आया है, he is your subject, ठीक है, ये लेफ्ट ओवर पार्ट जो है वो आपका क्या माना जाएगा, दिस इज योर प्रेडिकेट, ठीक है, इज इज योर लिंकिंग वर्ब, ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है, कालिदास आपका ऑब्जेक्ट है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो दिस इज योर प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करता. अब यहां पर स्टेटमेंट को इस ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा कि ही इज अ कालिदास. अब being a first person, I being a first person, you being a second person, तो मैं किसी के बारे में बता रही हूँ जिसके बारे में आपको पता है, जिसको आप जानते हो कि वो क्या है, मैं उसी को बोल रही हूँ कि he is a कालिदास, और एक्चुअल में वो कालिदास नहीं है. यहाँ पर स्टेटमेंट का मीनिंग ही चेंज हो चुका है. प्लीज हैव अ लुक, कभी कभी जब बच्चे प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन की तरह यूज किए जाते हैं तो वो आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज क्राइटेरिया सेज कि प्रॉपर नाउन ही आर्टिकल नहीं लेगा, बट कॉमन नाउन तो ले सकता है. तो कभी कभी अगर हम इस तरीके से अगर स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं बट डिफाइनिंग जो है वो कॉमन नाउन की तरह होती है तो आर्टिकल एक्सेप्ट किया जाता है. ही इज अ कालिदास, दैट मीन्स आपको भी पता है, वो पर्सन पता है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो कालिदास नहीं है, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ कि ही इज अ कालिदास. बोलने का मतलब ये है कि वो कालिदास जैसा विद्वान है. प्लीज हैव अ लुक, जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो आर्टिकल जो है वो यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द बेस रूल, राइट. तो यहाँ पर प्लीज डिफ्रेंशिएशन करके चलना कि किस चीज में किस तरीके से चीजें को यूज किया जाता है. प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता, सब्जेक्ट की पोजीशन पर तो नहीं लेगा, लेकिन अगर फ्यू कंट्रीज या स्टेट्स के बारे में बात होगी, जैसे द पंजाब है तो आर्टिकल लेगा, कुछ कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स हैं तो वो दो आर्टिकल लेगा, या मिस्टर गुप्ता आता है तो द मिस्टर गुप्ता नहीं बोला जाएगा. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की पोजिशन पर आ रहा है
मिस्टर गुप्ता तो द मिस्टर गुप्ता बोला जा सकता है. सो दिस इज अ एक्सेप्शन केसेस विद योर द आर्टिकल यूजिंग विद योर प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आगे मूव ऑन करते हैं. ये मैं आपको समझा चुकी हूं. ओके, नेक्स्ट वन, द आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस. जब बच्चे हम माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, माउंटेन सीरीज के बारे में बात करते हैं, तो दो आर्टिकल लेते हैं, बेशक वो प्रॉपर नाउन क्यों ना हो. जैसे कि द हिमालयाज, हिमालयाज इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, लेकिन वो सीरीज के अंडर आ जाता है. वी डू हैव द अपर हिमालय, द मिडल हिमालय एंड द लोअर हिमालय, तो वो तो दो आर्टिकल जो है वो एक्सेप्ट करेगा. द एल्प्स, एल्प्स भी जो सीरीज है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, द आर्टिकल के साथ डिनोटिंग दे सकते हैं. लेकिन प्लीज हैव अ लुक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर बच्चे आप पीक्स के नाम के बारे में बात कर रहे हो, पीक्स का मतलब चोटियों के नाम के बारे में बात कर रहे हो, तो कहीं से भी द आर्टिकल जो है वो एक्सेप्टेड नहीं रहता. द माउंट फ्यूजी नहीं बोला जाता, इट इज ओनली माउंट फ्यूजी. द नंदा देवी नहीं बोलेंगे, इट इज ओनली नंदा देवी. तो ओवर हियर नंदा देवी भी आपका क्या है, इट इज योर प्रॉपर नाउन. हिमालयस का भी प्रॉपर नाउन में काउंट किया गया था, बट हिमालय जो है वो सीरीज में आ जाता है बिकॉज उसके अंदर सीरीज है, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, राइट. बट नंदा देवी इज ओनली सिंगल पीक, पीक का नाम है, तो हम इसको दो आर्टिकल के साथ डिनोट नहीं करेंगे. सो दिस इज द केस विद योर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स. माउंटेन स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, स्पेशल योर फिल इन द ब्लैंक्स या आपका क्लोज टेस्ट, राइट. ओके, नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर ज्योग्राफिकली बात कर रहे हैं तो लेट्स टेक द अदर एग्जांपल विद द रिवर्स आल्सो, ठीक है. अब रिवर्स के केस में भी कुछ ऐसा ही है कि आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द रिवर्स बिकॉज एक डेफिनेट होता है रिवर. अब द गंगा बोला जाएगा बिकॉज द गंगा जो है, गंगा जो रिवर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही गंगा रिवर है और उसको गंगा रिवर को डेफिनेट बनाया जाता है और उस जैसी कोई गंगा रिवर नहीं है. तो गंगा इज अ ओनली यूनिक, मोर ओवर इट्स अ होली रिवर, ठीक है. सो द गंगा बोला जाएगा या द थेम्स, द नाइल बोला जाता है बिकॉज ये यूनिक होते हैं, डेफिनेट होते हैं, बनाए जाते हैं. सो ओनली वन इन नेचर, यूनिवर्सल फैक्ट है. जैसे द सन, द मून तो बोला जाएगा, बट एक्सेप्शन इनकी ये है कि अगर बच्चे रिवर के नाम के साथ उनकी प्लेस का नाम जोड़ दिया जाए. देखना प्लीज, जहां से रिवर फ्लो कर रही है और जिस जगह से फ्लो कर रही है, अगर दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है तो रिवर जो वर्ड है, जो रिवर है वो दो आर्टिकल फिर नहीं लेता है, याद रख लेना. जैसे कि उत्तराखंड ऑन गंगा, किंगस्टन ऑन थेम्स, ठीक है. उत्तराखंड किसके ऊपर है, गंगा के, गंगा रिवर वहां से फ्लो होके जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि उत्तराखंड ऑन गंगा. यहाँ पर उत्तराखंड ऑन द गंगा नहीं बोला जाएगा. प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर कि जब भी किसी रिवर का नाम उसकी प्लेस के साथ ज्वाइन अप किया जाता है स्टेटमेंट में, तो वो रिवर जो है आर्टिकल नहीं लेती है बिकॉज कहीं ना कहीं रिवर ने वहां से फ्लो कर जाना है, स्टैटिक नहीं रहेगा, तो हम उसको द में डेफिनेट नहीं बनाते हैं. सो दिस इज द एक्सेप्शन केस विद द रिवर. प्लीज ध्यान रखना, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मैक्सिमम जो है एक्सेप्शन जो है वो बच्चों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए बिकॉज बेस रूल तो समझ में आ जाता है, एक्सेप्शन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. यस, अब यहाँ पर भी वही बात आ गई, ठीक है. यहाँ पर भी बात करते हैं, द आर्टिकल इज यूज बिफोर द डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट. यस, अब ईस्ट डायरेक्शन तो एक ही है ना, कि ईस्ट को ईस्ट ही बोलेंगे तो वो डेफिनेट है, तो द ईस्ट ही बोला जाएगा. बट बच्चे जब इन डायरेक्शंस का नाम जो है किसी के साथ जब लग जाता है, जैसे कम्स बिफोर द नेम ऑफ एनी प्लेस, प्लेस के नाम के आगे लगता है, तो आर्टिकल जो है वो यूज नहीं किया जाता. जैसे कि वेस्ट बंगाल, इट इज नेवर बीन सेड द वेस्ट बंगाल नहीं बोला जाता है. वैसे तो द वेस्ट इज अ डायरेक्शन, लेकिन जब मैं वेस्ट बंगाल बोल रही हूँ, राइट, तो बंगाल इज द नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है. तो उसके नाम के आगे जो है अगर मैंने बंगाल के साथ वेस्ट लगा दिया तो मैं इसको द नहीं बोलूंगी, इट इज ओनली बीन सेड एज वेस्ट बंगाल. तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज अ बेसिक क्राइटेरिया ऑफ यूजिंग द आर्टिकल, बिकॉज द आर्टिकल जो है बहुत अच्छे से डिफ्रेंसिएशन बताता है और अच्छे से एक्सेप्शन भी एक्सेप्ट करता है. कहीं पर द लगता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कहीं पर द आर्टिकल को ओमिट करना पड़ता है, जैसे आपका वेस्ट बंगाल का केस, ठीक है. बट पंजाब विल बी द पंजाब ओनली, राइट. ओके, आगे चलते हैं. ओके, नाउ
The article does not come with the northern, southern, eastern. Means जब हम एक northern side बोलते हैं या eastern side बोलते हैं तो ये सारी चीजें क्या है? They are an adjectives. ठीक है, adjective बात तो वही आ गई ना, noun present है तो article लगेगा. अगर adjective है या adverb है, सिर्फ adverb और adjective है तो article तो वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि noun तो present नहीं है. तो same जब मैं western बोल रही हूँ, eastern बोल रही हूँ, northern side बोल रही हूँ तो article तो नहीं लगेगा. Maybe, not maybe. Yes, they are adjectives, but absence of noun, no article is used. Lekin they will not take an article unless followed by a suitable noun. Jaise Western India. Yes, hum Western India bol sakte hain. So hum isme kya kehte hain? The Western India bola ja sakta hai, no doubt, because India jo hai wo aapka kya hai? Proper noun hai. So adverb ho, adjective ho, kuch bhi ho, but agar noun present hai, to article bhi accepted rahega. Okay, let's have a look at the statement. Okay, article does not come with the name of the months. Months ke naam ke aage days ho gaye, aapke subjects ho gaye, language ho gayi, roads ho gayi. Please dhyan rakhna, inke naam ke aage bhi jo hai article jo hai wo lagta nahi hai. Ab koi language ke bare mein baat kar rahe hain, main ab ye nahi bol sakti hu ki the English नहीं बोला जा सकता है, the Hindi नहीं बोला जा सकता है, the Monday नहीं बोला जाएगा, the June नहीं बोला जाएगा. तो आर्टिकल्स इन सब चीजों के आगे नहीं लगता. बट एक्सेप्शन वी डू हैव, एक्सेप्शंस हैं हमारे पास. लेट्स हैव अ लुक टू द एक्सेप्शन. एक्सेप्शन कैसे कि स्टेटमेंट अपना मीनिंग खुद डिफाइन करवाएगा कि उसको आर्टिकल चाहिए कि नहीं चाहिए. लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट. द इंग्लिश हैज ruled the world. Okay, so this is a statement. The English has ruled the world. Ab let me tell you, aapke according English hai, English is the name of the subject. But bachche yahan par English jo hai statement mein, it is not the name of the subject. Yahan par the English has ruled the world means yahan par maine English ke sath the article isliye lagaya because English ka matlab hai we are talking about the white people, we are talking about the British people. Please dhyan rakhna कि नाउन बच्चे किस कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है, नाउन का मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आर्टिकल जो है वो डिमांड करता है. सब्जेक्ट के नाम के आगे आर्टिकल नहीं आ रहा. यस, नो आर्टिकल इज बीइंग यूज्ड, बट यहाँ पर यूज हो रहा है बिकॉज यहाँ पर इंग्लिश का मतलब जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, इट इज ब्रिटिश पीपल और इट इज अ वाइट पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो इस केस में आर्टिकल जो है वो एक्सेप्टेड रहता है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ द लैंग्वेज पार्ट और एनी ऑफ द सब्जेक्ट डेज और रोड्स. ठीक है, ओके, टेकिंग द नेक्स्ट वन. ओके, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द मील्स. यस, मील्स के नाम के आगे बच्चे आर्टिकल को यूज नहीं किया जाता. मैं कभी नहीं बोलती हूँ आई हैड अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ठीक है, आई विल ओनली से आई हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ठीक है, अब यहीं पे बात हो गई है वी डू हैव द मील्स टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर. सपर इज बीइंग कॉल्ड एज अ हाई टी. ठीक है, हाई टी या इसको टी टाइम बोला जाता है, स्नैक टाइम बोला जाता है. सो दिस इज योर मील टाइम. तो आई विल से, अगर मैं ये नहीं बोलूंगी आई हैड अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मीन्स आपने सिर्फ एक ही ब्रेकफास्ट किया है, तो ब्रेकफास्ट की वेरिएशन को कैसे डिनोटिंग वैल्यू बंद होगे, हम वो दे नहीं सकते. लेकिन अगर उससे पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव को यूज किया जाए तो हम दे सकते हैं आई हैड अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट. तो बच्चे आर्टिकल तो वेरी के साथ लगा है, बेशक ब्रेकफास्ट जो नाउन प्रेजेंट है स्टेटमेंट में वो लगाया गया है, बट ब्रेकफास्ट के आगे जो है वेरिएशन बताई गई है कि वेरी गुड बोला गया है. तो ब्रेकफास्ट के साथ तो आर्टिकल नहीं लगा, उसका एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ लगा है. तो इस तरीके से आर्टिकल को लगाना एक्सेप्टेड रहेगा, लेकिन डायरेक्टली मील्स के नाम के आगे जो है वो आर्टिकल नहीं लगाया जाता. राइट, ओके, प्लीज थोड़ा एक्सेप्शंस को ध्यान से समझिए बिकॉज दे आर मोर इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट. इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी नोन टू बोथ स्पीकर एंड द लिसनर, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर. जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं, आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर. तो जब ऐसी बात होती है और आपको पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, व्हाट आई एम डिमांडिंग, तो हम आर्टिकल जो है वो लगा सकते हैं स्टेटमेंट में. स्टिल वी कैन गो फॉर दैट. बेशक प्रॉपर नाउन है या उसके आगे भी आर्टिकल लगाया जा सकता है. काइंडली रिटर्न द बुक. ठीक है, यहाँ पर द बुक बोला है. ठीक है, वैसे तो बुक जो है वो आर्टिकल डिमांड नहीं करेगा, बट आई एम सेइंग कि काइंडली रिटर्न दैट बुक. सो मैंने कौन सी बुक के बारे में बात की है, जो मैंने बुक आपको दी है, दैट आई गेव यू. तो इस सेंस में द स्पीकर के पास जो है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है
ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि जब एक स्पीकर और लिसनर को पता है कि हम किस चीज के बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो आर्टिकल की डिमांड कर सकता है और आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा उस स्टेटमेंट में, बिकॉज उसको डेफिनेट बना रहे हैं. कौन सी बुक के बारे में बात हो रही है, तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको भी पता है कि कौन सी बुक है दैट आई गेव यू. ठीक है, सो जब स्पीकर और लिसनर को पता होता है कि कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली डेफिनेट बन जाती है, और अगर वो डेफिनेट है तो वो आर्टिकल की डिमांड तो जरूर है, करेगी ही करेगी. ठीक है, सो दिस इज अ स्टेटमेंट. टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, ओके, लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पर थोड़ा सा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बिकॉज ये वाले रूल में बच्चे काफी जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे कभी क्या होता है कि स्कूल कॉलेज या टेम्पल जो है डिनोटेड इन द रेफरेंस टू देयर प्राइमरी पर्पस. आपको पता है इनका प्राइमरी पर्पस क्या है, जैसे कॉलेज का प्राइमरी पर्पस एजुकेशन है, स्कूल का प्राइमरी जो पर्पस है वो भी एजुकेशन है, टेम्पल का जो प्राइमरी पर्पस है वो रिलीजियस बेसिस पे आ जाता है, स्पिरिचुअल बेसिस पे आ जाता है. तो जब स्टेटमेंट प्राइमरी बेसिस पे बात होती है तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता. याद रखना, मैं कभी भी आर्टिकल जो है इस जगह पे इस प्रेफरेंस में यूज नहीं करेंगे. आई गिव यू स्टेटमेंट, प्लीज हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट. जैसे कि चिल्ड्रेन शुड गो टू स्कूल, चिल्ड्रेन शुड गो टू स्कूल मीन्स चिल्ड्रेन का जो रेफरेंस पार्ट है वो स्कूल के साथ कैसे है कि स्कूल में बच्चे क्या करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं. तो आपका जो सब्जेक्ट है और आपका जो ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रेन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है बहुत अच्छे से सेट किया जा रहा है. तो यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है स्कूल के साथ, तो मैं द स्कूल नहीं बोलूंगी. लेकिन लेट्स गो फॉर द एक्सेप्शन, माई हाउस इज बिहाइंड अ स्कूल, मेरा घर स्कूल के पीछे है, तो मेरे घर का और स्कूल का कोई भी प्राइमरी फंक्शन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आर्टिकल का यूज कर सकती हूँ. माई हाउस इज बिहाइंड अ स्कूल, बिकॉज एस जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, आर्टिकल को डिमांड करेगा. ठीक है, यहाँ पर नहीं यूज हुआ था, द रीजन इज बिकॉज आपका जो है यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म हो रहा था स्कूल का. तो जब प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है आर्टिकल नहीं यूज करना, बट एक तरीके से अगर सेकेंडरी या टर्शियरी फंक्शन अगर स्टेटमेंट शो कर रही होती है तब आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने द मिस्टर गुप्ता के केस में किया था. राइट, अब जैसे एक और स्टेटमेंट है, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल. ठीक है, अब यहाँ पर द कॉलेज का रेफरेंस पार्ट और टेम्पल का रेफरेंस पार्ट जो है वो नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पर हम द टेम्पल के साथ जो है वो आर्टिकल यूज कर सकते हैं, बिकॉज ना तो टेम्पल का कॉलेज के साथ कोई रिलेशन है ना कॉलेज का टेम्पल के साथ रिलेशन है, और बिकॉज यहाँ पर कॉलेज की एक लोकेशन है, आपका जो कॉलेज है वो कहाँ पर है, इट इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, सो टेम्पल का जो रिलीजियस पार्ट है स्पिरिचुअल पार्ट है वो कॉलेज के साथ कनेक्टिविटी नहीं दे रहा है, प्राइमरी कनेक्टिविटी नहीं दे रहा है, तो हम दो आर्टिकल का इसमें यूज कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्लीज मार्क इट क्लियर, बिकॉज यहाँ पर जो है इस तरीके की स्टेटमेंट आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है. डोंट गेट कंफ्यूज, प्राइमरी फंक्शन है तो आर्टिकल्स नहीं लगाना है, अगर सेकेंडरी या टर्शियरी फंक्शन शो कर रहा है तो प्लीज आर्टिकल का स्टेटमेंट डिमांड करेगा ही करेगा. ओके, नेक्स्ट वन, यस, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट. No article is used with the uncountable noun. Very important. कोई article जो है बच्चे uncountable noun के साथ नहीं use किया जाता, because maximum case में आपके जो abstract noun होते हैं बच्चे या uncountable noun होते हैं वो linkage में होते हैं. जैसे कि I just give you the feeling. अब feeling if you are happy, मैं आपको दो happy नहीं बोलूँगी, I'm दो happy. ठीक है, I'm दो excited, I'm दो sad, I'm दो depressed. तो जितनी भी नाउन प्रोनाउन की फीलिंग्स होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स होती हैं, और बच्चे फीलिंग्स जो होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं, आर्टिकल्स की डिमांड नहीं रखी जाती फीलिंग्स के साथ. लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल गोल्ड. अब बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन किया जाता है गोल्ड. आई होप यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन ओवर हियर, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. गोल्ड जो है, अगर एक सिंपल गोल्ड बोला जाए, गोल्ड क्या है, ठीक है, गोल्ड इज यू कैन से इट एज अ मेटलिस्टिक नाउन, ये मेटलिस्टिक नाउन है, बट एज इट इज कोई चीज मेंशन नहीं हो रही है. गोल्ड एंड सिल्वर इज अ प्रीशियस मेटल, तो वो एक प्रीशियस मेटल है, वहां मेटलिस्टिक नाउन उसको फर्स्ट हैंड में बोला जा सकता है, बट गोल्ड जो है वो एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन आता है. द रीजन इज, आप लोगों को शायद ये चीज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगी, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. वी डू हैव द वेरिएशन ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. पहले आर्टिकल को समझने से पहले और अनकाउंटेबल नाउन का एस्पेक्ट समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है. अगर मैं काउंटेबल में बोलूं तो काउंटेबल में आई कैन गो फॉर चेयर,
ठीक है, अनकंफर्टेबल मैं बोलूं तो मैं वाटर बोल सकती हूँ, आई कैन गो फॉर हेयर, आई कैन गो फॉर स्टार्स, ठीक है, ये सारी चीजें अनकंफर्टेबल है बिकॉज एवरी वन नोज इट, और हेयर जो है सॉरी चेयर हो गया, बुक हो गई या बुक्स हो गई, जो भी है हम उनको कंफर्टेबल मानते हैं. बट लेट मी टेल यू, कॉम्पिटिटिव ग्रामर जो है, जब बच्चे आप लोग नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स करोगे, सिंटेक्स का टॉपिक करोगे या आगे टेंसेस का टॉपिक करोगे, तो ये वेरिएशन आपके बहुत अच्छे से काम आएगा. वेरिएशंस ये हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ ग्रामर, जो अब कॉम्पिटिटिव पेपर्स में जो हम स्टेटमेंट के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो बच्चे करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वी नो दैट द कॉन्सेप्ट काउंटेबल वो चीज़ें जो काउंट की जा सकती हैं, अनकाउंटेबल सारी चीजें जो अनकाउंटेबल होती हैं. ऐसा रूल अब नहीं फॉलो करना प्लीज आप लोग, सारी चीजें काउंटेबल हैं, सारी चीजें अनकाउंटेबल ही मानी जाती हैं. लेट मी गिव यू एग्जांपल, लाइक चेयर. अब चेयर वर्ड से आप इसको मटेरियलिस्टिक नाउन तो बोल सकते हैं, बिकॉज चेयर इज अ मेड अप ऑफ अ मटेरियल ओनली, अ वुड का मटेरियल का बना होगा, तो आप इसको मटेरियलिस्टिक नाउन कह सकते हैं, बट आप इसको काउंटेबल नहीं कह सकते. अगर मैं स्टेटमेंट इशू करती हूँ प्लीज गेट चेयर, ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज गेट चेयर जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज मुझे इसके साथ रेक्टिफिकेशन डालनी पड़ेगी आर्टिकल का यूज करने के लिए, प्लीज गेट मी अ चेयर, ठीक है. तो जब मैंने अ चेयर बोला, दैट मीन्स आई हैव गिवन द डिनोटिंग वैल्यू ऑफ वन. जब आप सिर्फ चेयर बोल रहे थे तो आप इसको मटेरियलिस्टिक नाउन तो बोल सकते हैं, बट आप इसको काउंटेबल नहीं बोल सकते अनलेस एंड अंटिल आप किसी भी चीज के साथ एक नंबर सिस्टम ना प्रोवाइड करें. सो ओवर हियर ये कॉन्सेप्ट था. इसी के साथ वाटर का कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है. वाटर इज अनकाउंटेबल, बहुत वाटर है पानी में, सॉरी ओशंस में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स हैं, वी कैन नॉट काउंट वाटर. बट द कॉन्सेप्ट इज, अगर स्टेटमेंट ये इशू कर दी जाए प्लीज गेट अ 1 लीटर ऑफ वाटर, मैंने वाटर वर्ड जो अनकाउंटेबल था उसके साथ एक नंबर सिस्टम जब दे दिया बच्चे, तो वो चला जाता है आपका काउंटेबल की स्टेज पे. उसी तरीके से हेयर, वी नो दैट वी कैन नॉट काउंट द हेयर, बट वी डू हैव द वेरिएशन इन दैट कि देयर इज अ वेरी गुड कार्टून कैरेक्टर जिसके सिर पे सिर्फ 3 बाल है, तो वी कैन काउंट 1, 2, 3, तो बच्चे वो भी तो काउंटेबल चला गया, ठीक है. उसी तरीके से स्टार्स, स्टार्स भी जो है वो अनकाउंटेबल है, वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स, बट द कॉन्सेप्ट इज कि जो स्टार्स हैं, अगर देयर इज अ क्लाउडी वेदर, बहुत क्लाउडी वेदर है, हम स्टार्स नहीं कोई नजर आ रहे, बट अगर 4 स्टार्स विजिबल है, जो मेन स्टार्स विजिबल है 1, 2, 3, 4, तो बच्चे वो काउंटेबल चला गया. तो सारी चीजें काउंटेबल होती हैं, सारी चीजें अनकाउंटेबल होती हैं, हम उनको डिस्क्रिप्शन डालते हैं, आर्टिकल्स के साथ डाल सकते हैं या कार्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ डालते हैं. सो प्लीज मेक इट मार्क समवेयर, सारी चीजें काउंटेबल हैं, सारी चीजें अनकाउंटेबल हैं. अब यहां पर चलते हैं इस रूल के पास. अनकाउंटेबल नाउन जो है वो आर्टिकल्स नहीं लेता. गोल्ड, अब गोल्ड वर्ड जो है वो मटेरियलिस्टिक फर्स्ट सेंस में है. गोल्ड वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी लिया जा सकता है, बिकॉज आई कैन से द स्टेटमेंट ही इज हैविंग अ गोल्डन हार्ट. अब गोल्डन हार्ट का मतलब ये नहीं है कि उसका जो हार्ट है वो गोल्ड का बना हुआ है. गोल्डन हार्ट इज सम सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग, ठीक है, तो वो आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन मैं ये स्टेटमेंट बोल सकती हूँ कि 23 कैरेट बोला जाएगा, तो अ 23 कैरेट को बोला जा सकता है, बिकॉज उसके साथ नंबर वैल्यू इशू किया गया, हमने उसको काउंटेबल बनाया. इसी तरीके से ब्रेड, ठीक है, अब एक जो वर्ड है ब्रेड, प्लीज हैव अ लुक टू द वर्ड ब्रेड. अब जो ब्रेड वर्ड है, व्हाट इज ब्रेड, पहले तो ये पता करें ब्रेड है क्या, कौन सा नाउन है. तो ब्रेड देखा जाए तो कॉमन नाउन है, बिकॉज वी डू हैव द वैरायटीज ऑफ ब्रेड, ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज हैं ब्रेड की, तो एग्जैक्टली इसको कॉमन नाउन बनाया, वैरायटीज को प्रॉपर नाउन बनाया. लेकिन ब्रेड ऑन द अदर हैंड साइड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बन सकता है, बिकॉज ब्रेड का एग्जैक्ट मतलब बच्चे वोकैबुलरी मीनिंग जो ब्रेड है उसका मतलब होता है रोटी, या हम उसे चपाती कहते हैं, ठीक है. प्लीज हैव अ लुक, अगर आप ब्रेड को स्लाइस ब्रेड समझ रहे हैं, दैट इज नॉट द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ ब्रेड. ब्रेड का मतलब होता है रोटी, चपाती होता है. यू कैन गो टू एनी ऑफ द रेस्टोरेंट, वहां पर आपको मेन्यू में चपाती नहीं लिखा जाता, दे आर जस्ट राइटिंग ब्रेड, हाउ मेनी ब्रेड्स डू यू वांट, तो दैट इज रोटी होंगी, ठीक है. अब रोटी है, रोटी कब कंज्यूम की जाती है, जब हम हंग्री होते हैं, और हंग्री हम कब होते हैं हमें कैसे पता लगता है, फीलिंग होती है, ठीक है. सो इनडायरेक्ट फॉर्म में ब्रेड को हम क्या मान सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मान सकते हैं, अनकाउंटेबल भी मान सकते हैं, बिकॉज एक नंबर सिस्टम नहीं इशू किया गया तो वो आर्टिकल नहीं लेगा. लेकिन वी कैन गो फॉर द वेरिएशन, हम उसको बोल सकते हैं कि गेट टू ब्रेड्स, ठीक है, ऐसे करके अगर स्टेटमेंट इशू होती है तो आर्टिकल का वो डिमांड कर सकता है, अनकाउंटेबल डिमांड नहीं करेगा. उसी तरीके से मिल्क भी है, उसी तरीके से वाटर भी है. मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, अ मिल्क नहीं बोला जाएगा. प्लीज लेट मी टेल यू, अ मिल्क नहीं बोला जाएगा. गेट मी अ मिल्क नहीं, एक मिल्क नहीं होता, हाँ गेट मी 1 ग्लास ऑफ मिल्क,
ठीक है, यहाँ पर 1 ग्लास बोल सकते हैं या 1 लीटर बोला जा सकता है, 1 पैकेट बोला जा सकता है, तो हमने उसको काउंटेबिलिटी दे दी, तो हम आर्टिकल का जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखना अनकाउंटेबल इस फॉर्म में आर्टिकल्स डिमांड नहीं करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यस दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये शायद आपको बता भी है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी प्लूरल जो है वो आर्टिकल नहीं लेता। वी कैन से अ चाइल्ड का मतलब है एक चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, बट मैं अ चिल्ड्रन नहीं बोल सकती हूँ। द रीजन इज कि अ का मतलब डिनोटिंग वैल्यू और चिल्ड्रन का मतलब प्लूरल है, चाइल्ड का जो प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो आई कैन नॉट गो फॉर दैट। अ चिल्ड्रेन ठीक है बोलना, बट अ चाइल्ड बोलना ठीक है, अ चिल्ड्रेन बोलना गलत होगा, बिकॉज आप डिनोटिंग वैल्यू 1 भी दे रहे हो, साथ में आप प्लूरल भी यूज कर रहे हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता है। सो प्लूरल जो है वो आर्टिकल नहीं लेता। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ए और एन नहीं लेता, लेकिन द आर्टिकल तो प्लूरल लेता है। ओके, लेट्स हैव अ लुक टू दिस वन। यस, सो नो आर्टिकल इज यूज विद अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तब भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे कि दिस अ हाउस, दिस जो है वो एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये घर, ठीक है, तो दिस अ हाउस नहीं बोला जाएगा, हम इसको क्या बोलते हैं, दिस हाउस। ठीक है, याद रखना कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव्स के साथ जो है वो आर्टिकल्स का डिमांड नहीं होता, बिकॉज दिस ऑलरेडी जो है वो एक तरीके से सिंगुलैरिटी जो है वो बता रहा होता है। ठीक है, तो याद रखना कि दो सेम मीनिंग के वर्ड्स जो हैं वो स्टेटमेंट में नहीं रखे जाते। दिस भी वही बात बताता है, अ भी वही बात बता रहा है, और अ का यहाँ पर रेफरेंस पार्ट जो है इंपॉर्टेंस लेवल वो कम है, तो अ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। दैट अ बुक, ठीक है, दैट अ बुक नहीं, दैट भी बोल दिया, दैट का मतलब हम उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अ बुक के साथ उसको डिनोटिंग वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर्टिकल डिमांड इस तरीके से नहीं करता है, राइट? ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। यस, उसी तरीके से आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी जो है आर्टिकल की डिमांड नहीं करता। मैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है किसकी, स्टेटमेंट में नाउन और प्रोनाउन की, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है और डिनोटिंग वैल्यू जो है वो भी बहुत अच्छे से बता पा रहा है, तो आर्टिकल जो है इसमें यूज नहीं किया जाएगा। लाइक एवरी अ गर्ल, एवरी का मतलब हर एक, और ऊपर से अ भी हम बोल रहे हैं, तो एवरी का मतलब भी सिंगुलर है, अ भी सिंगुलर पार्ट में जा रहा है, तो इट इज ओनली बीइंग सेड एज एवरी गर्ल, राइट? तो इस तरीके से जो है वो आर्टिकल की डिमांड नहीं रखी जाती है। प्लीज ध्यान रखना ईच अ पेन, ईच का मतलब सिंगुलर होता है, ठीक है, और अ का मतलब भी सिंगुलर ही है, तो ईच अ पेन की जगह पे क्या आएगा, ईच पेन, तो अ पेन स्टेटमेंट ले रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो ईच पेन जो है ईच पेन ही बोला जाएगा, ईच अ पेन नहीं बोला जाएगा, बिकॉज दो बार जो है सिंगुलर डिनोटिंग वैल्यू 1 जो है वो यूज नहीं की जाएगी, या तो आप ईच रखेंगे या तो आप अ आर्टिकल को स्टेटमेंट में रखेंगे। सो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव दोनों ही आर्टिकल डिमांड नहीं करता है। ओके, सो दिस वॉज योर बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ योर आर्टिकल्स, ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल का जो एक्सेप्शन है, ओमिशन है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी फॉर दिस। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद आपके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।